देखिए गाइस, यहाँ पर माउंटेन्स को पूरा डिजाइन करके रास्ता बनाया है ऊपर जाने का। सेंट पॉल चर्च, हम एंटर हो रहे चर्च में गाइस। तो हम पहुंच गए सेंट पॉल चर्च में। दीव में तीन चर्चेस है, जो कि एक को तो हॉस्पिटल बना दिया है, एक को तो म्यूजियम बना दिया है, एंड एक ही चालू है सेंट पॉल चर्च। ये सेंट पॉल चर्च चालू हुआ था 1610 में, एंड इसकी कंस्ट्रक्शन में 10 साल लगे थे, 1601 से लेकर 1610 तक। एंड अभी भी यहाँ पर प्रेयर्स होती है गाइस। तो ये बसोलिका होम चर्च जो गोवा में चर्च है, उसकी जैसा सेम टू सेम बनाया है यहाँ पर दीव में भी। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बरोड़ आर्किटेक्चर। भाई जहाँ पर मेन होटल है इसका, जो वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह सब रखी हुई है, वो वन पीस बर्मी स्टिक से बनाया गया था। एक हुड़ पे ही पूरी कारीगरी की है इसकी 400 साल पहले। था पूरी कहानी सेंट पॉल चर्च के बारे में। एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा मेरी तरफ। चलिए मिलते हैं आगे। गाइस, हम आगे म्यूजियम में जाने वाले हैं, तो लेट्स गो। तो गाइस, हम यहाँ पर आ चुके थे म्यूजियम में, बट यहाँ पर काम चालू है इसकी वजह से म्यूजियम अभी बंद है फिलहाल। गाइस, यहाँ पर म्यूजियम अभी बंद है, तो हम म्यूजियम में अंदर नहीं एंटर हो चुके क्योंकि यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है, वरना किसी भी तरह से हम एंटर हो जाते, बट यहाँ पर ताला लगा हुआ है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते गाइस। तो म्यूजियम को हम नहीं दिखा पाएंगे। तो आगे जाने वाले हैं हम कुकरी पर। यहाँ से 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम वहाँ पर जाएंगे और मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। तो लेट्स गो एंड वहाँ पर जाते हैं एंड मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी भूख वगैरह भी लगी है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने जाएंगे। एंड यहाँ पर लाइव आइसक्रीम भी बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो हम लाइव आइसक्रीम टेस्ट करने जाएंगे। तो चलिए गाइस, लेट्स सी, आप देखिए एंड ऐसी वीडियो पर बने रहना। क्या ये क्या है? सिरप।
हमने यहाँ पे लाइव आइसक्रीम में पर्पल जामुन ऑर्डर किया था। देखिए गाइस हमारा आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर नाश्ता वगैरह हमने कर लिया और लाइव आइसक्रीम भी बहुत बढ़िया था गाइस। तो यहाँ पर तवा तड़का नाम करके एक कैफे है, तो हम वहाँ पर गए थे एंड यहाँ पर लाइव आइसक्रीम भी बढ़िया था। एंड गाइस यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे खुकरी की ओर और वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वहाँ पर बना हुआ है। फाइनली गाइस यहाँ पर खुकरी पे पहुंच गए हम और यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या है। चलिए गाइस हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस पार्किंग में हमारी कार हमने रख दी है एंड हम जाएंगे और ऊपर जो वहाँ पर एक बोट रखी है, खुकरी नाम है उसका बोट का, और यहाँ पर कई सारे सैनिक के भी नाम भी लिखे हुए हैं जो शहीद हुए हैं उसके भी। तो हम वहाँ पर जाएंगे और मैं आपको दिखाना। बाइसिकल भी रखी हुई है एंड इसकी प्राइस 100 रुपये है। 30 मिनट तक चला सकते हैं इसको एंड इसके ऐप से ही ओपन होती है। क्या गाइस या ना बाइसिकल गाइस हम पैदल ही चढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ऑप्शन था बट वो हमने नहीं लिया क्योंकि आपको मैं नज़ारा दिखाना है, तो हम यहाँ से पैदल ही चलने वाले हैं। चलिए गाइस मैं आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। देखिए गाइस यहाँ पर माउंटेन्स को पूरा डिज़ाइन करके रास्ता बनाया है ऊपर जाने का एंड सबसे ऊपर यहाँ पर कुकरी जो बोट आती है उसको बना कर रखा है। ये घटना हुई थी 9 दिसंबर 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। तब इस जहाज के कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला एंड इसके साथ साथ 176 सोल्जर भी शहीद हो गए थे इस घटना में। जैसे आप दीव खुकरी में एंटर हो गए तो वहां पर तो अब कुछ सब कुछ नया बना दिया गया। पहले सिर्फ दीव कुकरी का मॉडल तैयार करके रखा था, आईएनएस जो कुकरी है उसका मॉडल तैयार करके रखा था एंड इसको अब ऊपर जो आप सबसे ऊपर चढ़ोगे ना तो वहां पर रखा हुआ है आईएनएस कुकरी का मॉडल। वहां पर जो लोग शहीद हो गए थे ना वहां पर नाम भी लिखा हुआ है, आप जाओगे तो आप। आईएनएस खुकरी हमारी जहाज पाकिस्तान की सबमरीन को रोकने जा रहा था, तो सबमरीन ने 3 मिसाइल हमारे आईएनएस खुकरी की तरफ डाले तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जहाज डूब गया एंड जहाज के कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला जो कि जहाज को हैंडल कर रहे थे एंड उसी के साथ साथ 176 सोल्जर भी शहीद हो गए थे। तो गाइस ये थी पूरी कहानी आईएनएस खुकरी के बारे में। जय हिंद जय जवान। तो गाइस फिलहाल इतना ही इस वीडियो में एंड अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी एंड तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए एंड चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।